मध्य प्रदेश पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति बोर्ड के निर्देशन में बालाघाट जिले में पर्यटन क्रिस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें लॉन्ची का किला प्रथम व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 27 जुलाई को आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 टीमों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक टीम में 3-3 सदस्य शामिल थे। टीमों को टूरिज्म स्पॉट नाम दिया है, जिसमें लॉन्ची का किला प्रथम व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को अतिथि के रूप में पहुंची जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम प्रतिनिधि दीपक बिसेन के द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में वाणिज्य विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक। मैडम, आज पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 2023 के लिए, किस तरह की प्रतियोगिता है, क्या इसका उद्देश्य है? ये जो प्रतियोगिता है ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके बारे में बच्चे कितना जानते हैं या कितना जानना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। कितने राउंड में ये क्विज होता है? ये प्रतियोगिता जो है 2 राउंड में आयोजित होती है। पहले पूर्वाह्न में बच्चों का लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होती है जिसमें बच्चे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस वर्ष लगभग 200 टीमों ने हिस्सा लिया था, एक स्कूल से 3 बच्चे आते हैं, 600 बच्चों ने ये परीक्षा दी और उसमें से 6 टीमों को हमने सिलेक्ट किया है, 3-3 बच्चे हर प्रत्येक टीम में जो उस परीक्षा को लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ आते हैं। सेकेंड राउंड में यहाँ पर एक क्विज राउंड होता है जिसमें इस वर्ष 10 राउंड हैं क्विज के और इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उन्हें विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण पर्यटन विभाग की ओर से करवाया जाता है। अभी तक के राउंड में कौन सी टीम जो है आगे चल रही है? ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे लास्ट के जो राउंड्स होते हैं उनमें ही डिसाइड हो पाता है कि जीतेगी कौन सी टीम। फिर भी टीम ए सारस जो है वो अभी लीडिंग रोल में है। थैंक यू। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।